राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में बलात्कार के आरोपियों और हिस्ट्री शीटरों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों मंचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मंचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गहलोत सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया जब बीजेपी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर बार बार निशाना साधा जा रहा है। दरअसल राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा है। अभी हाल में 2 अगस्त को भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और शव को कोयला भट्टी में झोंक दिया गया। इस दुष्कर्म मामले की निंदा करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने भीलवाड़ा और जोधपुर जैसी घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया है और राज्य पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का निर्देश भी दिया है। गहलोत ने ट्वीट किया था, भीलवाड़ा की जघन्य घटना में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम समय में आरोप पत्र पेश कर इन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भीलवाड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। पायलट ने कहा कि यह सरकार, प्रशासन और हम सभी की जिम्मेदारी है कि मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस नेता भीलवाड़ा में कहा कि भीलवाड़ा जिले में जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी, उन्होंने मानवता की सीमाओं को लांघा है। पायलट मंगलवार को भीलवाड़ा में मृत नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान। राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मद्देनजर यह फैसला लिया है। इसके तहत हर पुलिस स्टेशन में अब हिस्ट्री शीटरों की तरह मंचलों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा और इनके चरित्र प्रमाण पत्रों के साथ साथ सरकारी भर्ती एजेंसीज को भी इनके डिटेल शेयर किए जाएगी। इससे पहले राजस्थान सरकार 151 में मंचलों को गिरफ्तार किया करती थी, जिससे उनके आसानी से वो जमानत पर छूट जाया करते थे। प्रदेश में पिछले 2 सालों में छेड़छाड़ की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इनमें पिछले साल 14,000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, जबकि इस साल 13,500 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि महिला उत्पीड़न में पिछले साल 10,000 से ज़्यादा शिकायतें हुई हैं और इस साल लगभग आंकड़ा 10,000 को छूने को है। राजस्थान में FIR दर्ज करने की बाध्यता के चलते पिछले 1 साल में अपराधों के रिकॉर्ड में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इनमें महिला अपराध सबसे ज्यादा है और इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।